अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्री वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं उसे हम कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1, 2, 3। इसमें हमने वेरिएबल एक्स, वाई, जी, इनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कैलकुलेटर से इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपने कैलकुलेटर को इक्वेशन मोड में करना है। उसके लिए सबसे पहले हम प्रेस करेंगे मोड बटन। अगर आप देखो तो नंबर 5 पे लिखा हुआ है इक्वेशन 5 प्रेस करेंगे। अब यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं। हमारे पास थ्री वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो नंबर 2 हम प्रेस करेंगे। अब ये हमारे इस तरह से वो एक मैट्रिक्स टाइप आ जाती है। अब हमने इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो यहाँ पे वो तीन तरह की ए, बी, सी और नेक्स्ट डी, इस तरह से वैल्यूज़ मांग रहा है। ए, बी, सी की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट ए होगा, वाई का बी, जी का सी और ये डी की वैल्यू हमारी होगी। अब देखते हैं कि हम इसे कैसे पुट कर दें। एक्स का यानी तो ये 1 इक्वल टू प्रेस करेंगे। y का कोफिशियंट फर्स्ट इक्वेशन में है -2, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे। z का कोफिशियंट 1 इक्वल टू, अब d की वैल्यू ये जो इक्वल टू के इधर -4। अब दूसरी इक्वेशन पे x का कोफिशियंट 2, y का कोफिशियंट -3, z का कोफिशियंट 2 इक्वल टू प्रेस, ये -6। देन थर्ड इक्वेशन एक्स का कोफिशियंट 2, वाई का कोफिशियंट 2, जी का 1 और इज इक्वल टू के बाद है वैल्यू 5। अब हम इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारी अब ये सारी वैल्यू हो गई हैं इसमें। अब एक्स, वाई, जी की वैल्यू अब हमें देंगे। तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1। अगर आप देखो ये देखो एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ लिखी हुई हैं। एक्स की 1, वाई की वैल्यू 2 सही है और z की वैल्यू -1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।